दोस्तों दिवाली आने वाली है और रंग बिरंगी मूर्तियों का समय आ गया है। प्रयागराज में कंपनी गार्डन के सामने कुछ मूर्तिकार राजस्थान से आए हैं। ये मूर्तिकार कानपुर या कलकत्ता से मूर्तियां कच्ची खरीद के लेके आते हैं और फिर इनमें मनपसंद रंग भरते हैं। ये चमकीला वाला लगाइए है? इनमें रंग भरने वाला काम औरतें या बच्चे करते हुए दिख रहे थे। रंग भरे जाने से पूर्व की मूर्ति कुछ इस तरह दिखती है। रंग भरे जाने के बाद आपको इस तरह की मूर्ति दिखेगी। ये खूबसूरत से दिखने वाले फूलदान अभी सूखने के लिए रखे गए हैं। जब ये सूख जाएंगे तब इनमें कुशलता के साथ रंग भरे जाएंगे, बेहतरीन रंग जिनसे इनकी खूबसूरती निखरेगी। इन्हें सांचे की मदद से बनाया गया है। कड़िया मिट्टी की प्लास्टर या पेरिस की मूर्ति है, कितने की बेची होगी यार? 300 की है या 250 की जोड़ा है, 400 का जोड़ा है, किसमें देते हो? 800 बताते हो, 500 में देते हो ये सामने वाला? हाँ, दोनों जोड़ा देते हो। अच्छा, जोड़े में 500 में देते हो, अभी इसमें कलर करोगे ना? वीडियो रिकॉर्डिंग के दरमियान इन मूर्तियों में जो कलर लगाए जाते थे वो काफ़ी तीखे थे और आँखों में लग रहे थे। ये मूर्तियाँ इसीलिए नदी में नहीं बहाई जानी चाहिए। क्या रेट बताया भैया? 1600 रुपए पड़ेगी। और ये बगल वाली 1200 का है। 1200 रुपए का है? 700। और ये 800 का जोड़ा है। नहीं नहीं, ये घड़ा वाला, ये इसका और एक सेट है, अभी नहीं है, ये अभी नहीं होता। अच्छा, इसका और एक सेट है। ये कितने का पड़ रहा है? 1800 रुपए का। किस चीज के बनी है ये सब? सब मिट्टी के बने हुए हैं। 1800 रुपए के मिट्टी के बने बर्तनों का ले रहे हैं आप? इसमें मेहनत भी ज्यादा रखते हैं ना, आग में पकाना पड़ता है, उसके बाद तैयार होता है। अच्छा, इसको मिट्टी से पकाते हैं आप? उसके बाद आग में जैसे ईटा तैयार होता है उस तरीके से। अच्छा अच्छा, तो ये कहाँ बनता है भैया? कलकत्ता। कलकत्ता से बन के आता है, यहाँ केवल पेंट करते हैं आप लोग। मिट्टी के बने हुए ये बर्तन बहुत ही भारी हैं और बहुत ही मजबूत है। मैंने एक दो को हिलाकर देखा था, लगता था कोई मजबूत चीज है। ये सामने वाला क्या रेट पड़ रहा है? 1100 रुपए का है। ये 1400 रुपए का। यहाँ बैठ भी सकते हैं? अच्छा, ये बैठ सकते हैं, टूटेगा नहीं? नहीं, बैठ जाएगा। क्या पत्थर का है कि मिट्टी का? ये बैठ जाएगा। 480 का। 480 रुपए का। और ये बगल वाला? 450। मतलब अगर कोई आपको ऑनलाइन करना चाहे तो कर सकता है क्या? नहीं, यहाँ पे कुछ क्या है?